पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी मौजूद हैं। सब अक्सर आप इनको टेलीविजनों पर देखते हो, विभिन्न टेलीविजनों पर जो है ये धार्मिक डिबेट में होते हैं और तरह और वास्तुकला पर भी ही और जो है कई तरह के जो धार्मिक कामों में हमेशा जगह जगह दिखाई देते हैं और इनके आश्रम में भी जो है धार्मिक आयोजन हर हफ्ते को, हर रविवार को हवन पूजा भी होती है। और अब दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, नज़दीक ही दिवाली है, तो हम आचार्य से जानना चाहेंगे कि इस दिवाली का इस बार, क्योंकि अलग हटकर दिवाली है, पिछली बार भी नहीं मना पाए दिवाली ठीक से क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और अभी भी कोरोना नहीं है ज़्यादा, मगर फिर भी कुछ सावधानियों के साथ हमने त्यौहार को मनाना है, तो इसी संबंध में दो चार सवालों के साथ हम आचार्य जी से बात करेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि दिवाली जैसे कि नज़दीक आने वाली है तो इसका क्या महत्व, कई एंगल से इसको दिवाली को देखा जाता है कि कई। देखिए, भारतीय संस्कृति में दिवाली एक ऐसा पर्व है कि जिसको सब मनाते हैं। भारत में रहने वाले तमाम लोग, क्या विश्व में भी, आप पूरे विश्व में हर जगह हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है। यहाँ तक कि आप दुबई के अंदर भी जो टावर है उसके अंदर भी दिवाली को जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, तो यहाँ सार्वभौमिक दिवाली, इसमें हिंदू मुसलमान से ईसाई का कोई प्रभाव नहीं है। एक आनंद का पर्व है, एक हर्षोल्लास का पर्व है, सब मिलकर दिवाली मनाते आए और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में दिवाली मनती आई। दिवाली में वास्तविक तौर पर समझें कि हम सत्य की पूजा करने का प्रयास करते हैं, सत्य की आराधना पूजा करने का प्रयास करते हैं, यानी जिस परमात्मा ने साक्षात तौर पर सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। मर्यादा की बात करी, उनका स्वागत करने के लिए, उनकी जिस प्रकार से जो वहां पर जो वापसी का व्यवस्था थी उसको हम हर्षोल्लास साथ मनाते हैं। देखिए, इस बात को कोरोना काल भी चल रहा है और कोरोना कहीं गया नहीं, इस बात को हमें सबको समझना चाहिए। और दिवाली पर जिस प्रकार से कोरोना का भी एक साया चल रहा है, तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर्षोल्लास से दिवाली मनानी है, परंतु होश के साथ दिवाली मनाने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक पटाखों की बात है, क्योंकि इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया, तो मैं कहूंगा दिवाली पटाखों की तो परंपरा हमने नहीं डाली, ना किसी सनातन ने डाली, पर पटाखे जो थी तो मार्केट कमर्शलाइजेशन के साथ साथ आ गई पटाखों की बात। तो इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कि दीप जलाकर, देखिए कितना बढ़िया, हम वातावरण प्रदूषण को दूर करने की व्यवस्था बनाते हैं, कोई गैस का उपयोग नहीं करते, तेल के साथ, घी के साथ दीपक जलाते हैं, उससे दीपक से प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान का उदय होता है और साथ साथ वातावरण की शुद्धि का भी, कितनी सुंदर व्यवस्था हमने कराई। परंतु कहां से पिछले कुछ करीब करीब 50-60 सालों में जिस प्रकार से एक वातावरण बन गया कि पटाखे चलाने का, प्रदूषण की बात हम समझे तो ये तो पटाखे तो पूरे विश्व से बैन हो जाने चाहिए। परंतु मैं इस बात पे एक बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की बात की कि केवल दिवाली के दिनों में हमने बंद कर दिया, मैं कहूंगा ओवरऑल एक ब्लैंकेट बैन की बजाय एक ओवरऑल बैन करने की आवश्यकता है, कि बिल्कुल आवश्यकता नहीं हर एक व्यक्ति के लिए, नहीं तो ये हर एक के मन में उदय होता रहेगा ये बात की हम 2 महीने के लिए बंद कर दें, तो लोग कहेंगे भैया उनके लिए पार्शियलिटी, इनके लिए पार्शियलिटी नहीं। तो मैं कहूंगा सरकार को भी इस तौर पे एक ओवरऑल तौर पे एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि बिल्कुल पटाखों की आवश्यकता नहीं है। पटाखे तो वैसे भी जो है पैसे का बर्बादी है, आप अपने पैसे को खुद ही जला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली का पटाखों से कोई मतलब नहीं, ये तो मार्केट ने, कॉमर्शलाइजेशन ने जिस प्रकार से अपना फायदा उठाने के लिए हम पे थोप दिया और उस प्रकार से आ गया, तो उसको समझते हुए काम करने का प्रयास। अच्छा जी, दिवाली को जो है ना और कई एंगल से जोड़ा जाता है, भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाता है, जैसे कि किसानों के लिए खुशी का त्यौहार है ये, उससे भी कुछ इस तरह का भी कुछ। देखिए, दीपावली हर वर्ग के लिए त्यौहार है, जब आदमी हर्षोल्लास में होता है, आनंद में होता है, तो पूरी इकॉनमी चलती है। आप समझे कि जब दिवाली मनाई जाती है तो मिठाई बांटी जाती है, हलवाई चलते हैं, उसके साथ साथ किसानों के साथ आप माने कि जब बनेगी किससे मिठाई, तो कहीं ना कहीं चीनी बनेगी, कहीं ना कहीं आटा आएगा, तो सब किसानों से रिलेटेड भी है, तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ करती है। तो हर्षोल्लास से हर व्यक्ति अपने मतलब घर को साफ करेगा, हर चीज खरीदेगा, नई नया घर में सामान आएगा, तो पूरी इकोनॉमी के साथ रिवाइव करने का जो व्यवस्था बनती है, तो वो दिवाली का पर्व है। मगर सरकार कह रही है बाजारों में भीड़ ना करें और जो है शॉपिंग ना करें, तो फिर ऐसे कैसे? देखिए, इस बात को मानना चाहिए हम सब लोगों को, सरकार जो कह रही है वो हमारे फायदे के लिए कह रही है। अब ज्यादा हम लोग आज बाजार, कल मैं बाजार में गया था तो मैंने देखा इतना बुरा हाल था कि वहां बिल्कुल सटे हुए लोग चल रहे हैं, एक साथ सटे हुए चल रहे हैं और बिल्कुल कोरोना का भूल ही गए लोग। जब आनंद में आते हैं ना लोग, मोमेंटम में आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं। अरे भूलो मत भाई, कहीं कोरोना यहीं कहीं छुपा बैठा है और जब त्योहार के बाद जब लोग रिलैक्स करेंगे तब वो निकल के आएगा, तब स्थितियां बड़ी विचित्र बनेंगी। तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कोरोना कहीं गया नहीं है, केरल में क्या हाल चल रहा है वो हमारे समक्ष है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होगी जो प्रयास नहीं कर रही। बिल्कुल केरल गवर्नमेंट प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो हम जिस प्रकार से मिल रहे हैं,
तो हम भूल गए हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज भी थी। तो हमें सावधान रहना है, सरकार हमें बता रही है, अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, लेकिन लोग हैं जो मानते नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे आचार्य विक्रमादित्य जी, जिनसे जो है दिवाली से संबंध में कई सारी जानकारियाँ मिली। इसी तरह ही करंट अपडेट के लिए देखते रहिए फेस टू फेस।